मित्रों, अच्छा समय आने से पहले कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसी घटनाएं जो हमें संकेत करती है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ जीवन में कुछ विशेष होने वाला है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे संकेत मिलते हैं जो आपको स्पष्ट रूप से समझा देते हैं कि सौभाग्य का दरवाजा अब आपका खुलने वाला है। तो कुछ भी अच्छा होने से पहले, भाग्य खुलने से पहले, किस्मत चमकने से पहले, कुछ ऐसे संकेत हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। और वो इसलिए कि ताकि इन संकेत को समझ करके आप जान जाए कि कुछ अच्छा होने वाला है, भाग्य खुलने वाला है, किस्मत चमकने वाली है। फ्रेंड्स, सबसे पहला संकेत, ऐसा संकेत जो कि शुभ घटनाओं को दर्शाता है, संकेत करता है, इंडिकेट करता है कि आपकी किस्मत चमकने वाली है वाकई में। पहला संकेत दोस्तों, जब कभी हमारे घर के द्वार पे कोई भी गौ माता आकर के जोर जोर से रंभाने लगे, आपसे कुछ मांगने लगे, या फिर गौ आकर के आपके बाड़े में घुस जाए, खेत में घुस जाए, घर के अंदर गार्डन में घुस जाए और घूमने लगे, चरने लगे, तो ये सभी संकेत दर्शाते हैं कि आपके घर में हर प्रकार की सुख और समृद्धि आने वाली है जल्दी ही। क्योंकि दोस्तों, गौ लक्ष्मी कारक होती है और धन आगम यानी कि लक्ष्मी का वास आपके घर में होने वाला है बहुत जल्दी। संकेत नंबर दो, और वो ये है कि सुबह सुबह आप उठे और सुबह सुबह उठने पर आपको उठते ही कुछ मंगल ध्वनियों का ध्वनि सुनाई दे रही, कुछ ऐसी आवाजें जो बहुत सुंदर लग रही है, जैसे भवनों की आवाजें, चाहे मंदिर की घंटियों की आवाजें, भजन और कीर्तन की आवाजें, शंख की आवाजें, पूजन की आवाज, अगर ये सारी आवाज आपको सुनाई देने लगे तो समझो आपके जीवन में कुछ मंगल होने वाला है, यानी कि शुभ होने वाला है। तीसरा सूचक, तीसरा पॉइंट दोस्तों, यह है कि मार्ग में यदि आप कहीं जा रहे हैं और आप निकलते ही या फिर बीच मार्ग में कहीं आपको नव दंपति का जोड़ा आपको कहीं दिखाई दे, ऐसी कोई बहू दिखाई दे, बहू बेटी जो 16 श्रृंगार से परिपूर्ण है और बहुत सुंदर लग रही है, तो साक्षात आपके घर में सुख और समृद्धि का आगमन होने वाला है, आपका परिवार हरा भरा और खुशनुमा होने वाला है, साथ ही में आपके घर में लक्ष्मी और नारायण दोनों की स्थापना होने वाली है। तो भगवान की स्थापना होगी तो निश्चित रूप से मंगल ही मंगल कारक आपको देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। चौथा पॉइंट दोस्तों, मैं यहां पर बताता हूं कि यदि सुबह सुबह आप उठे या सुबह सुबह आप कहीं जा रहे हैं तो उठते ही या जाते ही या किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको नारियल के दर्शन होते हैं, चाहे वो जटा वाला नारियल हो, चाहे वो बिल्कुल कच्चा हरा नारियल हो, यदि आपको नारियल के दर्शन होते हैं दोस्तों तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर ये पड़ता है कि आपको निश्चित ही कोई शुभ संकेत यानी कि कोई शुभ सूचना इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जो कि आपका भाग्य उदय कर सकती है। पांचवा पॉइंट दोस्तों ये है कि किसी पक्षी का यदि आपके ऊपर बीट करना हुआ, कोई भी पक्षी यदि आपके ऊपर कहीं पर भी बीट कर देता है तो ये कारक होता है दोस्तों कि आपकी निश्चित जल्दी ही आपकी किस्मत, सोई हुई किस्मत जागने वाली है।
और आपको धन संपदा प्राप्त होगी, चाहे वो अपने काम से हो या किसी भी तरीके से हो, तो आपकी किस्मत निश्चित ही जल्दी जागने वाली है। दोस्तों, छठवां पॉइंट मैं आपको यहां बता रहा हूं, ट्रैवलिंग के दौरान कोई भी यात्रा हो, धर्म यात्रा हो या किसी तरह की भी कोई आप ट्रैवल कर रहे हैं देश विदेश में, तो दोस्तों अगर आपको ट्रैवल करते हुए, ट्रैवलिंग के स्टार्टिंग में या ट्रैवल करते हुए अगर आपको कोई कुत्ता दिखाई दे या फिर बंदर दिखाई दे, तो ये दोनों ही शुभ कारक होते हैं। इसका मतलब होता है कि आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य सफल होगा और जीवन में धन आगमन के चांसेस यहाँ बनते हैं, साथ ही में कार्य भी आपका सफल होगा और इस कार्य को करने से आपकी किस्मत, आपका भाग्य यहाँ से उदय होने वाला है। दोस्तों, सातवां पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ और वो ये है, यदि बारिश के दौरान ऐसा कोई समय हो जब आपके सामने बारिश हो रही हो अच्छी खासी और बारिश के साथ साथ ही धूप भी चमक रही हो और उस धूप में आप सूर्य के साफ साफ दर्शन कर सकते हैं, तो दोस्तों ये इस बात का संकेत है कि आप जल्दी ही किसी कारणवश भी आप माला माल होने वाले हैं और इसमें विशेषकर किसी पैतृक संपत्ति का मिलना, खजाने का मिलना या कोई जैकपॉट लगना धन के मामले में, ये आपको संकेत करता है। दोस्तों, आठवां पॉइंट मैं यहां पर आपको बता रहा हूं और वो ये है, यदि आपको ऐसा कोई चांस मिला है जिसमें आप कुदरत की सुंदरता को देख पा रहे हैं या किसी ट्रैवलिंग के दौरान आप बहुत सुंदर पहाड़, नदियां या नेचर, प्रकृति, बहुत सुंदर प्रकृति को देखने का मौका आपको मिला है या फिर कहीं आप गए हैं और आपके घर की या कमरे की खिड़की से आपको इस तरह का नज़ारा मिलता है, साथ ही में कोई तालाब दिखाई देता है साथ में और नदी झरना बह रहा है, तो ये आपको जल्दी ही धनवान होने के संकेत को दर्शाता है और ये समझिए कि आपका जीवन हर प्रकार से हरा भरा और आपकी वंश वृद्धि होने वाली है। दोस्तों, नवा पॉइंट मैं यहां पर बताऊंगा, जब कभी कई ऐसे सिचुएशन बन जाती है कि अचानक से कोई भौरा जो कि फूलों के ऊपर मंडराता है, ऐसा कोरक कोई भौरा आकर के आपके मुखमंडल पर मंडराने लगे, कोई भौरा आपके, कई बार होता है मुख में जाने की कोशिश करता है या आपके ऊपर मंडराता है या मुख के ऊपर मंडराता है, तो दोस्तों इसके कहने का मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है, कोई ऐसा संगी साथी आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है जो कि आपके भाग्य उदय का कारण बन सकता है, जो कि आपकी किस्मत चमकाने वाला हो सकता है।